मैं अनुबाली, कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 24। मैं सभी लोगों से यही अपील करती हूँ, कल 22 है, पहले कल हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा अपील की गई है कल जनता कर्फ्यू के लिए, तो मैं सभी लोगों से यही अपील करती हूँ इसका पालन करें और हमें ब्रेक द चेन। और इनका सबसे बड़ा यही है कि जब तक हम अपने घरों में रहे, अपने अपनी अपने घरों में रहें, लोगों को यही हम अपील करते हैं कि अपने घरों से ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलें, ज़रूरी काम के बिना घर से बाहर ना निकलें। और सफाई कर्मचारियों का, डॉक्टरों का, और हमारे जो केमिस्ट हैं, और हमारे जितने भी हमारे जो भी पुलिस वाले, इन सबका हम धन्यवाद करें। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि 5 बजे हम सब इन लोगों का धन्यवाद करेंगे। और मैं लोगों से सबसे बड़ी अपील करती हूँ, प्लीज़ अपने घरों में रहें, जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें, और अपने घरों के आगे पीछे सफाई का ध्यान रखें। आपके घरों में गाड़ियाँ जा रही हैं, ऑटो वगैरह जा रहे हैं, उन्हीं में गंद डालें, बाहर गंद मत डालें। इस टाइम हमें अपने सफाई कर्मचारियों का भी ध्यान रखना है, उन्हें भी हमें कोऑपरेट करना है। इसका सबसे बड़ा मैसेज यही है कि प्लीज़ अपने घरों में रहें और किसी से हाथ ना मिलाएं, किसी के गले ना लगें। यही है कि इससे जितना हम अभी हमारे जम्मू में स्टेज 2 चल रही है, तो हम कोशिश यही है कि स्टेज 3 पे हम पहुँचे ही ना। हमारे पास अभी हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, जो भी हम कदम उठाएं बड़े अच्छे कदम उठाए गए, लेकिन फिर भी हमें, हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है कि अगर हम खुदा ना खास्ता कोई थोड़ी सी भी अगर थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे क्योस हो जाएगा। इसलिए अभी जितना हम गवर्नमेंट जो हमें निर्देश दे रही है, लोगों से यही अपील है कि उसका पूरा मतलब पालन करें। एक बात हो रहा है, इन्होंने वैष्णो देवी यात्रा भी बंद कर दी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाहर से यात्री आएंगे तो उससे प्रॉब्लम तो होगी होगी बाहर से। अब हमें क्या पता कि कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। अभी एक ही कल ही एक केस हुआ हमारे यहाँ पे, जो हमारी एक गायिका आई है कनिका कपूर, उनकी वजह से कितने लोग इस आफत में आ गए हैं। इसलिए लोगों को खुद ही सावधानी बरतनी चाहिए। जो लोग बाहर की यात्रा करके पहुँच रहे जम्मू, तो मेरी उनसे यही अपील है कि प्लीज़ वो 14 दिन तक अपने आप को आइसोलेशन में रखें। लेकिन लोग इस बात को ये हल्के में ले रहे हैं, लोग इस बात को नहीं जागरूक हो रहे। लोगों से ये अपील है जो बाहर से यात्रा कर रहे हैं, 14 दिन आप घर में रहेंगे तो बाकी लोगों के लिए भी सेफ्टी है।